सही तस्वीर पेश नहीं कर रही है, इसकी टेक्निकलिटीज हैं। और प्रवीण जैन नरेडको के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रवीण जी, आम आदमी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उल्टा और महंगा होने वाला है घर, और बिल्डर्स के लिहाज से कई और टेक्निकलिटीज हैं जिनको समझना होगा। मेरा सीधा सवाल है कि क्या ये चिंताएं अभी भी आपके हक से भी बरकरार हैं, या आप हैं ऑप्टिमिस्टिक है आपका रवैया? नहीं, देखिए, अफोर्डेबल में तो काफी रिलीफ लोगों को मिला है। जो 45 लाख रुपए तक जो घर की बात कही गई है, पहले जो अफोर्डेबल की कैटेगरी थी वो 6 से 7 स्क्वायर मीटर तक के घरों की थी, और उसके बाद बढ़ा के जो टियर टू सिटीज है वहां पर तो काफी रिलीफ मिला है, क्योंकि जैसे पहले सर्विस टैक्स था 4% के आसपास, जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया उसके बाद फिर सर्विस टैक्स कम हुआ, बट 1% अफोर्डेबल में तो बहुत रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। बट 5% जो बाकी हाउसिंग के अंदर इन्होंने किया है वो थोड़ा ज्यादा है। मुझे लगता है इसमें इनपुट क्रेडिट की हमने बात कही थी सरकार को कि भाई 5 की जगह बेशक 7-8 रख लें से, बट इनपुट क्रेडिट भी साथ साथ दे दें, वो नहीं हुआ अभी। थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा है, जहां पर मुंबई जैसी लोकेशन पर जहां प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा है वहां पर तो मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 5% काफी ठीक होगा। जो प्रॉपर्टी जहां पर 5-6 हजार 7 हजार रुपए स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा ग्रेटर नोएडा गुड़गांव की बात करें, बेंगलोर की बात करें, जहां पर जहां 1 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है, 50 लाख से 1 करोड़ के बजट की जो मिड सेगमेंट की प्रॉपर्टीज है, उसके दाम जरूर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर तो सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन जो बाकी फैसले हैं उस पर कहीं ना कहीं एक तरह का दबाव सीधे तौर पर समझ में आ रहा है। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, और राजेश जी, क्या